राजधानी शिमला के लोड बाजार में बिना कार्ड के सामान बेचने वालों पर नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। रविवार को नगर निगम की टीम पुलिस के साथ अचानक लोड बाजार निरीक्षण करने पहुंची, जहां बिना कार्ड के सामान बेचने वालों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान कई लोग टीम के साथ उलझते हुए नजर आए। नगर निगम की टीम ने बिना कार्ड के सामान बेचने वालों को लोअर बाजार से बाहर निकाला और यदि दोबारा सामान बेचते हुए पाए जाते हैं तो उनका सामान जब्त करने की चेतावनी भी दी है। नगर निगम के स्टेट ब्रांच इंस्पेक्टर ब्रजलाल खाची ने कहा कि संडे मार्केट में बाहरी राज्यों से सामान बेचने के लिए काफी तादाद में लोग आते हैं, जिसकी व्यापार मंडल द्वारा नगर निगम को शिकायत भी की गई थी और आज टीम निरीक्षण करने पहुंची है और जिनके नगर निगम द्वारा कार्ड बने हैं उन्हीं को रविवार को बाजार में बैठने की अनुमति दी गई है और जिनका कार्ड नहीं बना है उन्हें यहां से हटाया गया है। यदि दोबारा से यहां पर सामान बेचते हुए पाए जाते हैं तो उनका सामान भी जब्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम ने आजीविका भवन के टेरिस पर संडे मार्केट लगाने का फैसला लिया था, लेकिन अभी तक वहां पर व्यवस्था नहीं की गई है। इस पर फैसला बाद में लिया जाएगा। मैंने बोला लोमनी होना है, प्रधान जी सुनो ना, लोमनी है तू, लोमनी है ये, मैंने जैसे कि आप देख रहे हैं बाजार में आज यही आदेश थे कि भाई बिना कार्ड के जिनको परमिट नहीं किया गया है नगर निगम की तरफ से वो कोई भी आज जो है लोअर बाजार में नहीं बैठेगा। इसी तरह के उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। जैसे कि आपने देखा इतने बहुत ही कम लोग थे जो कि ऐसे कोई बाहर बैठा हुआ था जिनको हमने, चलो अगर किसी ने लगाया भी तो उनको हमने समझा के ना बैठने की सलाह दी है। अगर वो दोबारा भी ये इस चीज को दोहराता है तो उनके ऊपर निश्चित कार्रवाई की जाएगी। तो आजीविका भवन में लगनी थी संडे मार्केट भवन के, उसका अभी प्रशासनिक तौर पर पूर्ण अभी कार्य नहीं हुआ है, जो कि वहाँ पर अभी हमने चलाया था कि भाई चलो अगर किसी तरह का हुआ स्टेबल हो जाता है तो हम संडे मार्केट वहाँ स्टेबल करने जा रहे थे, परंतु प्रशासनिक तौर पर अभी जो उसकी कार्रवाई पूरी नहीं की गई है आज, इसलिए वहाँ पर स्थगित। ठीक है।